हेलो वेलकम बैक अनदर गेम प्ले सीरीज आज हम एक और नई गेम प्ले सीरीज को जो स्टार्ट करने वाले हैं और इसकी सीरीज को जो मैं कंटिन्यू रखूंगा तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के पड़ेगा क्या तो सर्वर है क्या सर्वर तीन है कमिंग सून वाओ तो वर्ल्ड बना देते हैं अपना क्रिएट uh, न्यू क्लिक करेंगे फ्रेंड्स और क्रिएट न्यू वर्ल्ड क्लिक हो जाना है अरे हो जा हो जा हाँ अब हुआ जाके हैंग हो रहा का इस फ़ोन आज तो सर्वाइवल में रखेंगे ऑब्वियसली और वर्ल्ड का नाम बाद में सोचते हैं पहले और बाकी सेटिंग्स देखते हैं लूट ऑफ करो भैया मॉब लूट ऑफ करो ऑफ कर दूँ क्या चलो रहने ही देते हैं रिस्पॉन्ड रेडियस हम जितना हाई हो सकता है उतना रखेंगे क्योंकि हाँ क्योंकि कोई मेरे पे कोई रीज़न नहीं है वर्ल्ड का नाम रख लेते हैं वर्ल्ड का नाम क्या रखें वर्ल्ड का नाम कुछ भी नहीं है हमारे वर्ल्ड का नाम तो चलो क्रिएट कर लेते हैं और ये थोड़ा टाइम लेगा इतना टाइम ले रहा है यार ओ आ गया तो ये है हमारा वर्ल्ड ए वाओ। ये है क्या हाँ वैसे तो यही होगा यार मैं भी क्या ऐसे करने में यार मज़े आ रहे हैं मेरे को मैं भी कैसी बेकार की बात कर रहा हूँ यही होगा यार हमारा वर्ल्ड और कुछ जाऊँ छलांग लगाने तो पानी में छलांग लगाने का अलग ही मजा है तो चलो पेड़ वेड़ काट लेते हैं थोड़े बहुत और जल्दी जल्दी चल यार साल लगेंगे तेरे को ताज चलने में तो कहा मैं टू एक स्पीड पे कर देता हूँ ताकि आप बोर ना हो ज़्यादा बस इस पेड़ से तो बस इतनी वुड मिली और दो ये भी मिल गए पेड़ के बीच तो एक को तो मैंने यहाँ लगा दिया और अरे यार पानी मिल गया डर्ट पिन लगती क्या एक ही यहाँ लगा देता हूँ एक यहाँ लग गया और यार आज मेरा फ़ोन बहुत हैंग कर रहा है तो इस पेड़ को और तोड़ लेते हैं मैं इसको भी आपको टू स्पीड में दिखाऊँगा तो यार इससे भी काफ़ी कुछ वुड मिल चुकी हैं उन्नीस वुड हो गई हैं मेरे पास और यार मेरे को रात होने से पहले पहले मेरे को जो है बेड बना लेना पड़ेगा नहीं तो मैं मारा आ पहले दिन ही और वीडियो में ही मेरी बेजती हो जाएगी गाइस तो और मैं कहीं से वुड जो है इकट्ठा कर लेता हूँ आगे चलना यार तो यहाँ से भी मैं थोड़ी बहुत वुड जो है इकट्ठी कर लेता हूँ टू स्पीड पर कर रहा हूँ मैं ताकि आप ऑब्वियसली बोर ना हो तो भाई फाइनली यार मेरे पास चौबीस वुड हो गई है अरे मैं कहाँ जा रहा हूँ पीछे चल यार तो भाई फाइनली मेरे पास जो चौबीस वुड हो चुके हैं और एक सुअर दिख रहा है मैं भाई मैं सोच रहा था मैं शाकाहारी बनूंगा मिथपैट की तरह पट नहीं चिकन देखते ही गाइस पता नहीं क्या लालच सा आता है मेरे को मैं अपना आपा खो बैठता हूँ गाइस और मरेगी तू मरेगी मैं कहाँ जा रहा हूँ यार साइड हो ना साइड हो यार बहुत ज़्यादा हैंग कर रहा है आज मेरा फ़ोन कहाँ गई वो तो चौबीस हो गई है अब मैं इन्हें क्राफ्ट करके वुड बना देता हूँ ओक वुड प्लैंक्स ओ एक ओ क्या कहते हैं मेरे को नहीं पता यार तो काफ़ी बन गए यार सिक्सटी फोर थर्टी टू के बंच में तो चलो यार पर क्राफ्टिंग टेबल बना देते हैं पहले क्राफ्टिंग टेबल बन चुकी है अब सारे को वापस से रख लेते हैं सिक्सटी फोर नहीं बार बार दबा अच्छा सिक्सटी फ़ोर हो गई ये। तो यहाँ पर इसे रखते हैं इसको डबल टैप करते हैं हो क्यों नहीं रही यार ये हाँ अब हो गई तो बस अब और कुछ बनाने के लिए है नहीं तो यार सबसे पहले मैं वूल ढूंढ लेता हूँ वूल वूल ढूंढ लेता हूँ पहले मैं और फिर आपसे मिलता हूँ सुखाइज यहाँ पर मेरे को व्हाइट पेड़ भी दिख गया है, तो मैं इसे कोल बनाने के लिए जो है तोड़ लेता हूँ तो मैं इसे टू एक्सपीड पर कर देता हूँ ताकि अब बोर ना हो गाइस चलो अब आगे बढ़ते हैं वूल की तलाश में और जब मेरे को वूल मिल जाएगी मैं तब आपसे मिलता हूँ तो so गाइस फाइनली काफ़ी ज्यादा इंतजार के बाद काफ़ी ज्यादा घूम फिरने के बाद मेरे को जो है वूल मिल गई है और तीन वूल मिली है और जो इनका मांस था ना जो थी बकरी वगैरह जो भी थी मेरे को उनका नाम पता नहीं है शीप कह सकते हैं उनको मैंने तीन ये वूल ले लिया एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ देख सकते हो वाइट वूल बिल्कुल तीन है और क्राफ्टिंग टेबल एक बार मैं बाहर निकाल के एक बार बाहर निकाल देता हूँ मैं अपनी क्राफ्टिंग टेबल बना रखी है मेरे को और बनाने की कोई ज़रूरत है नहीं तो एक बार मैं क्राफ्टिंग टेबल बाहर निकालता हूँ और अपना एक बेड बना लेते हैं और कुछ औजार वगैरह बना लेते हैं अपने तो एक हमारा वाइट बेड बन गया है और अरे स्टिक्स भी बनानी है अभी स्टिक्स बना लेते हैं स्टिक्स आठ बना लेते हैं अभी के लिए आठ काफ़ी रहेंगी शायद से तो दो शोड बना लेते हैं काफ़ी ज़रूरत पड़ती है तीन पिकेक्स बना लेते हैं बार बार मैं बनाना नहीं चाहता उन्हें कभी मेरे पास वुड ख़त्म होगी फिर मैं बार बार बनाना नहीं चाहता स्टिक्स ख़त्म हो गई तो स्टिक्स और बना लेते हैं अब के बार भी आर्ट अब तो आठ काफ़ी रहेंगी अब मैं ज़्यादा डबल डबल में लूँगा नहीं और एक ये शॉवल ले ली वुडन शॉवल वुडन हो ले लिया और इससे एक बोट भी बना ली क्योंकि बोट भी यार काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहती है एक और वुडन शॉवल बना लिया क्योंकि एक वुडन शॉल हमारा उसमें यूज़ हो गया था तो इसको जल्दी से हटाते हैं और रात हो गई है यार शायद से है ना रात रात हो गई है रात कह रहा हूँ मैं रात हो गई तो अपना बेड यहाँ पर लगाते हैं और यहीं सोते हैं ऐसा मतलब रात में आराम से सो रहे हैं किसी का डर नहीं है जंगल में भी सो रहे हैं और तो गई अब मैं आपको ना सोने के बाद काफ़ी अच्छी नींद आई मेरे को अब मैं ना आपको ना तब मिलता हूँ जब मेरे को ना अच्छी खासी अपनी एक लोकेशन मिल जाएगी और आप देख सकते हैं इतना कुछ मेरे पास सामान आ गया है और अब मैं ना तब तब मिलता हूँ आपसे जब मेरे को एक अच्छी खासी लोकेशन मिल जाती है अपना घर को जो बनाने के लिए तो जो यूज़फुल सामान नहीं है उसको मैं यहाँ रख देता तो हूँ एक पिकेक्स बाहर निकाल देते हैं नहीं इसको भी बाद में निकालेंगे स्वाड अपने हाथ में तो मैं आपको तभी मिलूँगा जब मेरे को एक अच्छी खासी जगह मिल जाएगी जहाँ पर मैं अपना घर बना सकता हूँ गाइज मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं ना अपनी पिकेक्स को बाहर निकालता हूँ और स्वॉर्ड को अंदर रखता हूँ और इस पेड़ में थोड़ी सी और वुड लेता हूँ क्योंकि मेरे पास 58 वुड है और वो शायद से इतनी ज्यादा नहीं है जिससे मैं अपना एक पूरा घर बना लूँगा तो मैं इसको टू एक्स पे कर देता हूँ सो so गाइज जैसा आप देख पा रहे हैं सिक्सटी फोर और सिक्सटी वुड होम पे हो गई हैं और मेरे को लगता है कि काफ़ी होंगी और ज़्यादा की मेरे को ज़रूरत पड़ती नहीं है तो अब मैं एक अच्छी खासी लोकेशन ढूंढने के बाद आपसे मिलता हूँ सो गाइज मेरे हिसाब से ये जगह तो काफ़ी अच्छी है तो मैं यहाँ पर अपना बेड रख लेता हूँ और एक क्राफ्टिंग टेबल रख लेता हूँ ताकि मेरे को एक रफ सा डिज़ाइन मिल जाए कि मेरे को अपना घर कैसे बनाना है अब यहाँ से मैं अपना घर को बनाना शुरू करता हूँ और मैं टू स्पीड में करूँगा ताकि ज़्यादा लंबी वीडियो ना बने तो चलो अपना घर को बनाना स्टार्ट करते हैं ज़ यहाँ पर आके जो है मेरी वुड ओक वुड ख़त्म हो गई है और मैंने अब तक डोर भी नहीं बनाया तो मैं थोड़ी सी वुड जो है इकट्ठ तोड़ के लाता हूँ इकट्ठी कह रहा हूँ तोड़ के लाता हूँ और हाँ मैं तोड़ के मिलता हूँ आपसे सु so गायस यार मैं चेस्ट बनानी भूल ही गया यार मैं आजकल ज्यादा ही भुलक्कड़ होता जा रहा हूँ पहले मैं दरवाजा बनाना भूल गया अब मैं चेस्ट बनानी भूल गया तो चलो फिर से लकड़ा हरे बन जाते हैं कौन सा पेड़ तोड़ूँ अरे यार वो वाला पेड़ कहाँ गया जो मैं पहले तोड़ रहा था अरे वहा है वहाँ तो मैं, तो मैं वापस से उसी पेड़ को जो है काटना तोड़ना काटना जो भी कहो उसे कंटिन्यू करता हूँ और मैं अपनी चेस्ट को बना लेता हूँ मैंने चार ये जो भी पीस रहते हैं ये मैंने निकाल लिया है के, और अब इनसे 16 ओक वुड प्लैंक तो बन ही जाएंगे और मैं बना लेता हूँ अपनी जो क्राफ्टिंग टेबल से ही बनाने पड़ेंगे क्राफ्ट टेबल जो भी रहते हैं और अब मैं अपनी क्राफ्टिंग टेबल की तरफ चलता हूँ और देखो यार दो चेस्ट बन जाएंगी सोला वुड में सो ओक वुड प्लैंक में तो एक चेस्ट को मैं रखता हूँ यहाँ और दूसरी को यहाँ और अभी इनको मैं अच्छी तरीके से अरेंज कर लेता तो, हूँ नहीं यहाँ नहीं रखनी ना यार यहाँ नहीं अरेंज करते हैं अच्छी तरीके से अपनी ही इन्वेंट्री में इन्हें अरेंज करता हूँ मैं अच्छी तरीके से ये यहाँ ये यहाँ ये यहाँ और ये यहाँ ये यहाँ ये यहाँ तो इतना कुछ मैंने आज सामान बनाया यार आपके सामने बनाया सारा कुछ मैंने सर्वाइवल में करा है क्रिएटिव में मैं बिल्कुल नहीं गया तो बस यार अब वीडियो को एंड करते मैं एक बार आपको अपना घर बाहर से दिखा देता हूँ अंदर से तो आपने देख ही लिया बहुत बार तो मेरा घर कुछ ऐसा लग रहा है और चलो वीडियो को एंड करते हैं तो बस यार आज की इस वीडियो के लिए इतना ही मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय और हाँ यार अभी जाओ मत और एक बात सुन लो कि यार अगली वीडियो में हम फर्नेस और कोल बनाएंगे फर्नेस और कोल ठीक है ना तो बाय Tell me that you love me even if it's